बंदा मुझसे कह रहा था दी ड्रग्स तो दो, मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है, कैमरे चल रहे हैं यहाँ पे, मैं वैसे मुसीबत में। हाँ नहीं दी, आपकी चटनी में ड्रग्स है, चटनी के दीवाने बने पड़े। मैंने कहा भाई तू पूरा वर्ड बोल, एक वर्ड मत बोल, मैंने उसको यही कहा। अभी इनको वही सिखाया मैंने, कहा अपने काम से प्यार करना, नेगेटिव इसके साथ मत करना, तुम यहाँ से जितना बना के ले जा रहे हो ना वही डालना, कट पिट करके मत कर देना। टेस्ट अगर बंदे के पास होगा ना तो मेरा मानना ये, फिर वो पैसे नहीं देखता, पैसे नहीं देखता, बस वो कहते हैं क्वालिटी होनी चाहिए। एक बंदा ये होता है खाके कहता है पैसा वसूल, और एक कहता है यार भीड़ को 2 महीने हो गए, अगर कुछ गलत खिला रही होती तो भीड़ कम हो जाती मेरी। मेरे पुराने कस्टमर मुझे के जाते हैं कि तरस गए आपके हाथ का वड़ा पाव खाने के, पर वो के जाते हैं कि प्राउड फील होता है कि हमारी मैम है ये। प्यार मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा वायरल होने के बाद लोगों में घमंड आ जाता है, सारी चीजें हो जाती है। मैं भी अभी भी अपने कार्ड पे ऐसे ही खड़ी हूँ जैसे उस दिन पाव बनाती है। लोग अभी हरकतें भी कर रहे हैं, मैं जब रात में चली जाती हूँ तो कचरा डाल के चले जाते हैं, फिर मैं 12 बजे आती हूँ सारा साफ करके वीडियो बना के फिर जाती हूँ। बस अभी ये चीजें चल रही, कोई बात नहीं, मैं उससे भी डील कर रही हूँ। अंबानी है इतना पैसा है दो बार हम लाइन में लग चुके हैं, बहुत टेस्टी है, जो टेस्ट पहले था वही टेस्ट अब है। बहुत बढ़िया टेस्ट है, मैं अभी सेकंड टाइम खा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आया हूँ। मैं अभी चार अपने घर के लिए पैक करा के लेके जा रहा हूँ। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। एक्चुअली रिव्यूज पढ़ के ही आए थे, रिव्यूज देख कर आए थे, एक्चुअली वर्थ इट है। आई थिंक सबको ट्राई करना चाहिए।